मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुरु कृपा विद्या निकेतन से लक्ष्मण सर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक बायोलॉजी गुरु पर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर पंकज कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु कृपा विद्या निकेतन से लक्ष्मण सर लॉकडाउन को देखते हुए 10वीं के विद्यार्थी को कुछ गणित के अध्याय को मैं समझाऊंगा। आप सब विद्यार्थी ध्यान देना। आज हम अपने सबसे पहले सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी के अंदर जो माध्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर, आप आज सांख्यिकी में केवल माध्य को पढ़ाएंगे, क्योंकि हालांकि सांख्यिकी बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, तो आज आप केवल माध्य ही क्यों पढ़ा रहे हैं? इनके कुछ पार्ट लेकर जो बच्चों को, जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी सरलता से समझ आ जाए, वो कंफ्यूज ना हो। वैसे सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक है, तो आज सबसे पहले हम माध्य लेते हैं। तो जैसे लक्ष्मण सर, मैं देख रहा हूँ आजकल YouTube पे कई ऐसे चैनल हैं जो एक ही दिन में और आधे घंटे क्लास में पूरी सांख्यिकी पढ़ा देते हैं, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी हल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो इससे घर बैठे बच्चे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो लक्ष्मण सर, आपकी इस ऑनलाइन कक्षा में क्या विशेषता रहेगी? विशेषता ये रहेगी कि इसमें बच्चे अपने घर पर भी कुछ सवाल, अपने आप, जिनके किताबें नहीं है वो अपने आप सवाल बना सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या सर, आपने आज जो फॉर्मूला वगैरह आप सूत्र वगैरह आप बताएंगे, उस फॉर्मूले के एग्जाम्पल भी आपने दिए हैं सर? एकदम एग्जाम्पल दिए हैं। तो फिर आज हम शुरू करते हैं लक्ष्मण सर से मैथ्स क्लास। और आज जैसे कि लक्ष्मण सर ने बताया है कि आज हम सांख्यिकी में केवल माध्य जो विषय है उसी में पढ़ेंगे, तो अब कक्षा लक्ष्मण सर के पास। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम कक्षा 10 की अध्याय 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, शॉर्ट नाम है सांख्यिकी, के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें तीन प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला बनता है माध्य, दूसरा बनता है माध्यक, तीसरा बनता है बहुलक। इन तीनों में तीन प्रकार के सवाल बनते हैं, एक बंटन वाला, एक अवर्ग और एक वर्ग वाला। तो आज हम सबसे पहले माध्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। माध्य, तो आज का पहला सवाल होगा हमारा, बंटन द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। चूंकि माध्य ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बंटन वाला और एक सारणी वाला होता है। तो पहला फॉर्मूला आज है सिग्मा एक्स बटा स्मॉल एन। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब बंटन वाले सवाल हो, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, बंटन 7 8 5 6 7 8 9 4 5 6 का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा स्मॉल एन। यहां सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जो दे रखी है संख्या इनका योग करेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बट्टा 10, यानी 10 होता है एन अवयव की संख्या। इन सबका योग आएगा 65। 65 में 10 का भाग देंगे तो 6.5 आपका उत्तर आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन बनता है, अवर्ग सारणी से माध्य ज्ञात कैसे करते हैं। चाहे सारणी वर्ग वाली हो चाहे अवर्ग वाली, इसका फॉर्मूला एक ही होता है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब अवर्ग सारणी में एक्स दिया हुआ है, एक्स में 1 2 3 4 5 6, एफ यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी 2 5 6 8 4 2 2। तो सबसे पहले एक्स एक्स और एफ की आपस में गुणा करेंगे। ये आपके सामने दे रखा है, 1 को 2 से गुणा किया, फिर 2 को 5 से किया है, 3 को 6 से किया है, 4 को 4 से किया है, 5 को 2 से किया है, 6 को 2 से किया है। इस तरह से एफ एक्स का योग आ गया 68 और एफ का योग आ गया 21। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ 21 है और सिग्मा एफ एक्स 68 है, यानी 68/21 = 3/2 इसका आंसर आएगा।
इसी क्रम में अगला जो वर्ग वाली सारणी का जो बनता है माध्य, इसको ध्यान से करना है कैसे बनता है वर्ग वाली सारणी। देखिए वर्ग में सेकम से अधिकफल होते हैं, सबसे पहले वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एफ दिया हुआ है 5, 8, 20, 14, 3। जब हल करते हैं तो सारणी बनाते हैं, वर्ग दिया हुआ है आपके सामने, एफ दिया है, वर्ग वाली सारणी के अंतर माध्य में सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं, एक्स का मतलब होता है मध्य मान। और ये कैसे निकालते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये 0 और 10 दोनों का योग करेंगे, इसमें दो काम भाग देंगे, 0 और 10, 10 का आधा होता है 5, फिर 10 और 20 होता है 30, 30 का आधा हो गया 15, इसी क्रम में 20 और 30, 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 होता है 70, 70 का आधा 35, इसी प्रकार 40 और 50, 90, 90 का आधा हो गया 45। सबसे पहले हम मध्य मान निकालते हैं माध्य के अंदर, मध्य मान निकल गया, अब एफ इंटू एक्स से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा की, 8 को 15 से किए, 20 को 25 से, 14 को 35 से, 3 को 45 से, इसी प्रकार इनका योग सिग्मा एफ एक्स हो गया 1270 और एफ का योग आ गया आपका 50। समांतर माध्य ज्ञात करने का, चाहे सारणी वर्ग वाली हो चाहे अवर्ग वाली, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ एक्स है 1270 और सिग्मा एफ 50, इसमें भाग देंगे तो 25.4 लगभग इसका उत्तर आएगा। तो लक्ष्मण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सर, आप बच्चों को कुछ और इस हेतु कुछ बताना चाहेंगे, जो प्रश्न आपने करवाए हैं इसकी किस प्रकार से वे घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसमें बच्चे खुद अपने आप सवाल बना सकते हैं, बंटन वाला तो बता दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा अवर्ग सारणी है और तीसरा वर्ग वाले सारणी है, इसमें बच्चे सब बना सकते हैं। अगर न बना सके तो बच्चे फोन नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सर आपका। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप लगातार गुरुकृपा विद्या निकेतन। और सर कौन कौन से विषयों में सहायता करेगा? विज्ञान है, संस्कृत है, इनमें भी हम बच्चों को सहायता करेंगे। जब तक अपना लॉकडाउन है, घर पर बैठकर बच्चे अध्ययन करें और इस YouTube के माध्यम से अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में सब बच्चों को दिखाएं, और न समझ आए तो फोन पर संपर्क करें और पूछे सवाल पूछे मुझसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपका एक बार और स्वागत, धन्यवाद।